हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेप्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों, कल का जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। वो वीडियो था जॉब के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग के बारे में। अगर लास्ट मंथ जो फरवरी का जो मंथ था, 1st से 28 फरवरी तक, तो जितने भी जॉब अप्लीकेबल हुए थे वो एक वीडियो में मैंने पोस्ट किए। तो आपने अभी तक भी उसका फ़ायदा नहीं उठाया होगा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और वो वीडियो देखें। तो दोस्तों नमस्ते, आज का नया जो टॉपिक है, हम सीरीज़ मैंने कहा था कि जो बैक डेटेड जो वीडियो था हमारा वर्किंग एट हाइट पार्ट वन, अभी ये पार्ट टू का सेक्शन चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में मैंने कहा था कि हमारा सीरीज चलने वाला है, 5 से 6 हमारा सीरीज रहेगा। तो हाइट वर्क के ट्रेनिंग के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले थे। तो फर्स्ट जो पार्ट हुआ था उसमें हमने देखा था कि हाइट वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइट वर्क का डेफिनेशन देखा था, फिर उसके बाद हाइट वर्क की ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और हाइट वर्क का ट्रेनिंग करने का पर्पज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी थी। तो दोस्तों चलो चलते हैं, इस वीडियो में हम नया कुछ तो सीखने वाला है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वर्किंग एट हाइट ट्रेनिंग है और टॉपिक हम इसमें आज कवर करने वाले सेफ्टी टिप्स फॉर वर्किंग एट हाइट, सेफ्टी टिप्स फॉर वर्किंग एट हाइट। हाइट पे काम करने के समय हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशनरीज लेनी है, कैसे अवॉइड करना है, किस तरह से साइट पे हम लोगों को हाइट वर्क की एक्टिविटी को अवॉइड करना है, किस तरह से प्रिकॉशनरी कंट्रोल मेजर लेना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो सेकंड टॉपिक रहेगा हजार्ड्स इन हाइट वर्क, ये दो टॉपिक आज ये पार्ट टू में हम लोग कवर करने वाले दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं हमारे सेकंड स्लाइड में। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको देख रहा है सेफ्टी इन हाई इन वर्क एट हाइट। तो दोस्तों इसमें जनरल हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल सेफ्टी टिप्स फॉर वर्किंग एट हाइट। हाइट वर्क पे जो कौन सी भी एक्टिविटी करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या अवॉइड करना है, किस तरह से हाइट वर्क की जो एक्टिविटी होती है उसको हमको कंट्रोल मेजर और प्रिकॉशनरीज मेजर लेना है। दोस्तों क्या होता है ना कि पढ़ने में और सुनने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरे अंदाज से जो भी फ्रेशर है या जो भी एक्सपीरियंस बंदे है, आजकल का ज़माना जो है पढ़ने में टाइम नहीं लगाता, तो लेकिन जैसे हम लोग 10-5 मिनट रील्स देख ही लेते हैं, तो इसी तरह से ये वीडियो भी देख लिया करो, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पज़ के रिगार्डिंग हम लोगों ने बनाया है। तो बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी टाइम मिले तो देख लिया करो, सब्सक्राइब किया करो, आपके दोस्त लोगों को भी शेयर किया करो। तो दोस्तों चलो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जनरल सेफ्टी टिप्स फॉर वर्किंग एट हाइट। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अवॉइड वर्किंग एट हाइट्स इन वेन पॉसिबल। हम लोगों को जब भी हाइट वर्क पे काम रहता है तो हम लोगों को उस जगह पर अवॉइड करना है। तो अवॉइड कैसे करना है, तो हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 2 मीटर के ऊपर हमको काम करना है, ओके, उस जगह पर सेफ्टी बेल्ट लगेगा, सेफ्टी बेल्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी या क्रिटिकल्स एरिया रहेगा, तो इस जगह पर हम लोगों को थोड़ा वो एक्टिविटी को हम लोगों को अवॉइड करना है। पॉइंट नंबर टू, यूज इन एक्सटेंशन सेफ प्लेस ऑफ वर्क। हम लोगों को जो वर्किंग प्लेस जो है, जो हमको वो सेफ रहना चाहिए, उधर में प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म है क्या नहीं, जब आप स्कैफोल्डिंग वगैरह इरेक्शन करते हैं तो उसका सॉइल वगैरह कॉम्पैक्ट है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर इंश्योर करनी है। थर्ड है, मिनिमाइज फॉल डिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज बाय यूजिंग द राइट टाइप ऑफ द इक्विपमेंट। हमको फॉल डिस्टेंस मेजर करना है उस जगह पर, यानी राइट टाइप का इक्विपमेंट हमको वो जगह पर यूज़ करना है। सेफ्टी बेल्ट जो हमारा रहता है 3 मीटर 2.5 मीटर का, तो सेफ्टी बेल्ट को किस तरह से एंकर करना है, लाइफ लाइन जो हमारा फॉल अरेस्टर है तो उसको किस तरह से हमको एंकरिंग करना है, किस तरह किस जगह पर लगाना है, जो हमारा लाइफ लाइन का एंकरिंग का पॉइंट है वो किस डिस्टेंस पर रखना है, ये सारी इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट ही पीपीज का जो इक्विपमेंट ही हम लोगों की जो वर्कर लोगों की जान बचा सकते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को एजुकेटेड करना है। फोर, सेलेक्टेड क्वालिटी पीपी विच इज़ रेगुलरली इंस्पेक्टेड। पीपी का डेली आप लोगों को इंस्पेक्शन करता है, जब भी कोई बंदा या कोई भी वर्कर लोग साइट के ऊपर या हाइट के ऊपर जब काम करेगा तब आप लोगों को इंश्योर करना है कि उसका पीपीज क्वालिटी है क्या नहीं, ISI मार्क है क्या नहीं, सेफ्टी बेल्ट का ISI मार्क है क्या नहीं, हेलमेट ISI मार्क है क्या नहीं, फिर तुम्हारा लाइफ लाइन किधर कटा कुटा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पीपीज की क्वालिटी की इंस्पेक्शन हम लोगों को करना है, उसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखना है, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट वगैरह हमको वेरीफाई करना है और तभी बंदे को वो पीपीज हमको प्रोवाइड करनी है, फिर वो बंदे को हाइट के ऊपर हम लोगों को चढ़ाना है। फिर ऑलवेज यूज द रेल्स एंड फॉल प्रोटेक्शन बैरियर्स। हमको जो भी एजेस लेवल पे काम करेगा उस जगह पर हमको हैंड रेलिंग्स वगैरह ऐसे रेलिंग्स प्रोवाइड करनी है जैसे फॉल ना हो, और फॉल प्रोटेक्शन जो बैरियर्स है वो अच्छे से हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। बी माइंडफुल ऑफ द फॉल डिस्टेंस, नेवर ओवरलोडेड एंड ओवर रीच। माइंडफुल फॉल डिस्टेंस हमको मेजर करना है कि कितना डिस्टेंस है, कितने हाइट से हम लोग काम करने वाले हैं, तो फॉल अरेस्टर किस जगह पर देना है, कितने डिस्टेंस पर देना है, ये सारी चीज़ें हमको हमारे दिमाग में रहनी चाहिए।
डिटरमाइन द बेस एंकरिंग पॉइंट टू द सपोर्ट यू. जब भी हाइट पे रूफिंग की एक्टिविटी होती है या क्लैडिंग की एक्टिविटी होती है या राप्टर व्यूप्टर की एक्टिविटी, इरेक्शन की एक्टिविटी होती है, रेजिडेंशियल में देखा जाए तो एज लेवल पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उस जगह पर हम लोगों को एंकरिंग पॉइंट किस तरह से दे सकते हैं अच्छे सेफ वर्क प्लेस के लिए, तो वो पॉइंट भी हम लोगों को मेजर करना है. एट सेलेक्ट द करेक्ट गियर वेन वर वर्किंग एट हाइट. हम लोगों को जो भी हम लोग पीपीज दे रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट हम लोग दे रहे हैं, तो उसका टेस्ट सर्टिफाइड है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल मेजर्स हमको आप लोगों को सिलेक्ट करनी है. फॉर एग्जांपल स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने के बाद स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर ने उसको हरा टैग, रेड टैग, ग्रीन टैग, जो भी टैग लगाया होगा वो लगाया क्या नहीं वो चेक करना है. स्कैफोल्डिंग थर्ड पार्टी का जो बंदा रहता है उसको इंस्पेक्ट किया है क्या नहीं, अच्छे तरीके से वो कंपोनेंट्स अच्छे है क्या नहीं वो चेक करने के बाद ही बंदे लोगों को आपको स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ाना है. सेकंड लेंगे हम लिफ्ट का, जो भी मैकेनिकल लिफ्ट होती है उसमें आप लोगों को सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर से रखना है. एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो जॉब रहता है वो है डॉक्यूमेंटेशन. दोस्तों डॉक्यूमेंट ऐसी चीज है जो आप लोगों की लाइफ बचा सकता है, तो जितने भी हो सके तो डॉक्यूमेंट को आप लोगों को ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंट साथ में रहना ही चाहिए. अगर कोई भी बंदा पहले वर्किंग हाइट पे चढ़ेगा आपको टीबीटी लेना है, टीबीटी का रिकॉर्ड्स रखना है और उसके ऊपर साइन है क्या नहीं इंश्योर करना. अगर वर्कर लोगों को साइन नहीं आती तो उसका थंब भी ले लो तो भी चलेगा, लेकिन आपने उसको प्रिकॉशन दी है, आपने उसको समझाया था, आपने समझाने के बाद भी उसने वो अवॉइड किया तो आप लोग उसमें उस चांसेस में आप लोग बच सकते हैं. कंसिडर इमरजेंसी यानी रियूज प्रोसीजर. आपके पास जो भी एक्टिविटी होती है फॉर एग्जाम्पल हाइट की 30 मीटर 75 मीटर हाइट, तो आप लोगों को एक बात इंश्योर करनी है कि उस जगह पर आपके पास इमरजेंसी प्रिपेडनेस प्लान रहना ही चाहिए. जो आप सेफ्टी प्लान के अंदर में मेंशन करते हैं वो अलग, और जो एक्टिविटी के अलावा जो आप लोग देखते हैं वो अलग, आपको इमरजेंसी रियूज प्रोसीजर प्लान कंसिडर करना है. दस ट्रेन योर टीम टू बी सेफ्टी कॉन्शियस क्यूसेस. आप लोगों को आपकी जो सेफ्टी टीम है उसको प्रॉपर से ट्रेन करना है. ओके, सेफ्टी के बारे में उन लोगों को बताना है कि किस तरह से हम कंट्रोल मेजर ले सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं. काम बंद करना ना कि सेफ्टी वाले का काम है. काम के अलावा आप लोगों को उस काम की एक्टिविटी का आप लोग कैसे सुझाव देते हैं और वो काम को कैसे सेफली प्रोसीड करते हैं उसे ही सेफ्टी ऑफिसर कहलाता है. दोस्तों चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक मैंने बोला था कि हजार्ड्स इन हाइट वर्क में हजार्ड्स क्या होता है. अगर आप लोगों को हजार्ड्स और रिस्क के बारे में नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मैं, तो उसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हजार्ड्स और रिस्क का डेफिनेशन क्या होता है. तो दोस्तों हाइट वर्क में सबसे ज़्यादा फॉल हजार्ड्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बिकॉज हाइट के ऊपर काम करते हैं, एजेस लेवल पर काम करते हैं. फॉल्स फ्रॉम कोलैप्स इन स्ट्रक्चर्स बहुत सारी जगह पर आप देखते होंगे कि अभी पुणे में लास्ट ईयर 2022 में एक कोलैप्स स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हुआ था, स्लैब्स कोलैप्स हुआ था, तो वो भी एक हाइट के स्ट्रक्चर्स में ही आता है. तो ओके, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग के कोलैप्स होने के बहुत सारे चांसेस वहाँ पर होते हैं. ट्रिप हज़ार्ड्स होता है दोस्तों जब अगर आप किसी एजेस लेवल पे काम करते हो, वहाँ पर कुछ ब्रेसिंग वगैरह पड़े रहे आपके पैर में आया तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड जब हाइट वर पे आप लोग काम करते हैं अगर शॉक लगा उस जगह सर भी आप फॉल होने के चांसेस ज़्यादा है. फॉलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाइट, यस ये भी बहुत हज़ार्ड से क्रिटिकल. जब भी आप हाइट पर काम करते हो इंटरव्यू में ये सारे चीज़ें, ये सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है. ये जो 4-5 घंटे ने इसको आपको ढकना है. अगर इंटरव्यू में आप लोगों को पूछते हैं कि हज़ार्ड फ्रॉम हाइट, तो बोलने फॉल हज़ार्ड्स, कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर, ट्रिप हज़ार, इलेक्ट्रिक हज़ार, फॉलिंग फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम हाइट. तो यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल पिक्चर ग्राफ्स है, तो उसके बेहिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि फॉल हज़ार्ड्स क्या है, ट्रिप हज़ार्ड्स क्या है. तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये कौन सा हज़ार्ड है, फॉल हज़ार्ड है बिकॉज जिसने सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह एंकरिंग नहीं किया है, एजेस लेवल पे काम कर रहा था, गिर गया बंदा. तो ये भी देख सकते हैं डैमेज ऑफ द पॉइंट, ये भी एक फॉल हज़ार्ड ही कह सकते हैं इसको, ट्रिप हज़ार्ड्स. ये देखो सेफ्टी बेल्ट लगाया है इन्होंने, ब्रेसिंग के पाइप पे एंकरिंग भी किया है, लेकिन अंदर में जो रॉड है वो ऑब्स्ट्रक्शंस का काम करती है, तो वो वजह से ट्रिप हज़ार्ड्स होने के चांसेस है. तो ट्रिप हज़ार्ड्स के ऐसे साइनेजेस पोस्टर्स उस जगह पर आप लोगों को डिस्प्ले करने हैं जिससे हम लोग वो ट्रिप हज़ार्ड्स को बचा सके. ये देखो अनवांटेड प्लेसेस के पास ऐसे ड्रम्स या किसी के ऊपर काम करते हैं, तो वो भी एक ट्रिप हज़ार्ड से होता है. इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, जब आप हाइट वर्क पे काम करते हो, बेसिक सेफ्टी नॉर्म जॉब यूज़ नहीं करते हो, तो उस जगह पर भी इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड ज़्यादा होते करंट लगने की वजह से. ये देख सकते हो आप यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड से, एक लैडर्स है,
तो किस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन किया है, फॉलिंग मटेरियल फ्रॉम हाइट, हाइट से मटेरियल गिरने के वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट हाइट ओवर की एक्टिविटी में कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बंदा ऊपर से काम कर रहा है, नीचे में हैमर या कुछ छूट गई तो उसके सिर पे गिरा, बाई चांस उसने सेफ्टी हेलमेट पहना है तो बचेगा, नहीं तो ऊपर ही जाएगा। ये भी यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, ऊपर में बंदे लोग चढ़ रहे काम कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग पे, आजू बाजू में ये जो लेडीज़ है यहाँ पर विदाउट हेलमेट विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन है, तो बहुत ही डेंजरस ये एक हजार्ड्स हुआ। फॉल फ्रॉम कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये यहाँ पर आप लोगों ने अभी लास्ट मंथ में ही गुड़गांव में या दिल्ली में देखा होगा कि बिल्डिंग से कोलैप्स की थी, तो उसने बहुत सारे कंट्रोल्स मेजर्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स वहाँ पर टैकल किए थे दोस्तों। तो उसी हिसाब से जब भी कोलैप्स या कौन सा भी डिमोलिशंस का एक्टिविटीज़ अगर आपको करना रहेगा तो प्रॉपर से आपको जो आपका वर्क प्रोसीजर है, वर्क मेथड स्टेटमेंट हुआ, हीरा हुआ, वर्कर्स लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कंसिडर करनी है दोस्तों। व्हाट विल बी हैपन अगर ये हजार्ड्स होते हैं या अगर ये रिस्क होते तो क्या होता है? फॉलिंग फ्रॉम द हाइट लीड्स ऑफ द फैटल एक्सीडेंट, बहुत सारे चांसेस जो है फॉल होने की वजह से ही डायरेक्टली जगह पर वर्कर लोगों की मौत होती है, और उसमें से बहुत सारे फैटल एक्सीडेंट्स का रेशो जो है, मैंने बताया था कि इंडिया के रेप और रेशोज के रेट से कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो फैटल एक्सीडेंट बहुत सारे चांसेस है। ये देखो बंदा ऊपर ऊपर एजेस लेवल पे, ये पिक्टोरियल ग्राफ है, इसके पिक्टोरियल से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से सेफ्टी बेल्ट ना वेयर करने की वजह से बंदा नीचे गिरा और उसकी डेथ हो सकती है। ये देखो ये पिक्चर में भी आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या किया होगा। तो आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि किस तरह से हुआ होगा, उसका ऑब्जर्वेशन भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का ट्रेनिंग सेक्शन पार्ट, पार्ट टू, पार्ट थ्री हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इसी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग एट की हाइट की ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही कवर करना चाहता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो पार्ट सेक्शन थ्री में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपके फ्रेंड को भी शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।